लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि नामांकन भरने से पहले स्टेट हाई स्कूल में सभा होगी और इस सभा के बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा और नामांकन के बाद रैली शीतला मंदिर में समाप्त होगी। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। 2 अप्रैल को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव द्वारा यहाँ नामांकन किया जा रहा है, नामांकन दाखिल किया जा रहा है और उस अवसर पर साथ में यहाँ पर स्टेट स्कूल में सभा भी रखी गई है और रैली भी है जो कि शीतला मंदिर में यहाँ से जाके सीधा शीतला मंदिर में के मंदिर के पास में समापन होगा। कल आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चरण दास महन जी और वरिष्ठ जन आएंगे यहाँ पर और नामांकन करके शंखनाद करेंगे चुनाव का।